पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान बंदी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी से इंडेक्स 42,400 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इलेक्शन कराने हैं या गिरफ्तारियां करनी है, सरबरा आवामी मुस्लिम लीग का ट्वीट। शेख रशीद ने लिखा, 200 का डॉलर डिफॉल्ट होने से बचने के लिए अबूरी मईशत दान जेर गौर हैं। निगरान हुकूमत आनी है, पेट्रोल गैस बिजली की कीमत बढ़ानी है, 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। सियासी मफादात को पीछे डालना पड़ेगा, मईशत मुल्क का असल मसला बन चुका है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुल्क की मईशत 4 साल से ठीक नहीं है, मामला गहरे और तशवीशनाक हैं, जो भी फैसले होंगे उनकी बड़ी सियासी कीमत अदा करना होगी। वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास आज होगा, आम सियासी और माशी फैसलों का भी इम्कान है। इजलास में मुस्तकबिल से मुतालिक इकदामात से आगाह किया जाएगा, मुस्तकबिल की हिकमत अमली, इंतखाबी इजलाहात और निगरान हुकूमत पर मुशावरत की जाएगी। हुकूमत हतमी फैसले इत्तेहादी जमातों की मंजूरी से करेगी। वजीर आजम का 1-2 रोज में कौम से खिताब भी मुतवक्के है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास का 28 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। कौमी असम्बली में बिजली की लोड शेडिंग पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। इंतखाबात का तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022, पाकिस्तान ग्लोबल इंस्टीट्यूट बिल 2021 और नेशनल हाईवे सेफ्टी तरमीमी बिल 2021 पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक समाअत कुछ देर में होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों के वकला के दलाइल जारी रहेंगे। सवाबी गुवाहाटी स्टेडियम में PTI के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। सबक वजीर आजम इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। 60 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया है। जलसे की सिक्योरिटी के लिए 1,669 अहलकार तैनात होंगे। रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण हो रहा है। चांद ग्रहण सुबह 6:32 पर शुरू हुआ, 9:13 पर चांद ग्रहण उरूज पर था। चांद ग्रहण का नजारा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक चांद ग्रहण अमरीका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा। कोहबेमाई में पाकिस्तान के लिए एक और तारीखी कारनामा। हुंजा से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल जोशी ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली। अब्दुल जोशी माउंट एवरेस्ट सर करने वाले 8वें पाकिस्तानी कोहबेमा हैं। और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के चर्च में मुसल्ला शख्स की फायरिंग। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग से 1 शख्स हलाक, 5 जख्मी हो गए। पुलिस ने मुश्तबा हमलावर को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। अस्सलामु अलैकुम।